साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। सभी पार्टी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इसी बीच हमारे साथ जो है सपा प्रत्याशी दीपिका यादव हमारे साथ आज जुड़ेंगी, जो शहीद भगत से प्रथम वार्ड से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। जनता के बीच उन्होंने अपनी एक बेहतर छवि बनाई हुई है और संग्राम सिंह यादव उनके पति हैं, जो कि हमसे बातचीत के लिए जुड़ेंगे अभी थोड़ी ही देर में। आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड से सपा प्रत्याशी दीपिका यादव ने कोरोना काल में सबकी मदद की थी, वो जनता के बीच एक बेहतर छवि बनाई हुई है। संग्राम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी जो है पार्षद पद की प्रत्याशी हैं, चुनाव में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चुनाव में हम कई मुद्दों को लेके जो है चुनाव में आए हैं और हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सफाई को लेके नाली और स्वास्थ्य संबंधी सब समस्याएं हैं। क्षेत्र में रोडें टूटी हुई हैं और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ नई रोडों का निर्माण हुआ नहीं है। जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। इन्हीं सब समस्याओं के साथ मैं जो है मैदान में आया हूँ। संग्राम जी, राजनीतिक सफ़र की बात करें तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कब से आप राजनीति में हैं? राजनीति में मैं पिछले 15 साल से राजनीति में हूँ। कोई पद हमने अभी तक नहीं लिया है, लेकिन मैं राजनीति में 15 साल से हूँ। आपकी पत्नी जो है पार्षद पद की प्रत्याशी हैं, क्या कुछ आप जनता के बीच जा रहे हैं, कौन कौन सी समस्याएं देख रहे हैं आप? सबसे ज़्यादा समस्या सफाई की है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है एकदम ठीक सामने मेरे, और आपको अभी ये दिखाएंगे भी, एकदम पेट्रोल पंप के ठीक सामने कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा है और बीमारियाँ कूड़ों से पनपती हैं। सफाई की व्यवस्था सही टाइम से होती नहीं है और इसके अलावा जो है जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा का जो है स्तर बहुत ही नीचे गिरा हुआ है। वो प्राइमरी स्कूलों में बच्चे स्कूल में सही से टीचर का आना आवागमन नहीं होता है, उनकी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जाता है और दवाइयां और स्वास्थ्य के विषय में भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ पर लोग सही से इलाज ना होने की वजह से कई लोग जो है अपना नई बीमारियों से जूझते हैं और अपने प्राण तक त्याग देते हैं। संग्राम जी, अगर आपकी पत्नी जनता का समर्थन उनको मिल जाता है, अगर आपकी पत्नी जीत जाती हैं, तो सबसे पहली आपकी कौन सी पहली प्राथमिकता है जिसे आप अपने काम में लाना चाहेंगे? सबसे पहले मैं स्वास्थ्य और शिक्षा प्लस सफाई पर विशेष ध्यान दूंगा, पेड़ लगवाऊंगा, वातावरण को शुद्ध करने की प्रयास करूंगा, पुरानी जो रोडें हैं उनको मरम्मत कराऊंगा, नई रोडों का निर्माण कराऊंगा। जल भराव की सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है, उसका विशेष ध्यान रखूंगा। संग्राम जी, चुनावी मैदान में आप अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर किसको देख रहे हैं? हमारे प्रतिद्वंदी के तौर पर हमारे सामने कोई हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा फिलहाल। आपकी पत्नी पार्षद पद की प्रबल दावेदारी कर रही हैं, अभी भी क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो आप देखने को मिल रहा है, और ये सबसे पहले बता दीजिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कुछ करना चाहेंगे? प्राइमरी स्कूलों में जो पाठशालाएं हैं
वहाँ के शिक्षकों से मिलूँगा, उनकी समस्या सुनूँगा और उस पर ध्यान दूँगा। वहाँ पर कोशिश करके जो है जो सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, क्षेत्र के जो लोग जागरूक हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, उनको ले जा के उनको एनजीओ के थ्रू मदद करवाऊंगा। प्लस सरकार से भी अपील करूंगा कि वहां पर ध्यान दें और वहां पर अच्छी सुविधा, और जब अच्छा मिलेगा, अच्छे क्लासेस चलेंगे तो लोग वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजेंगे। जनता के बीच आप किस एजेंडे के साथ उतरना चाह रहे हैं? गरीब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई अक्सर करके नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश करके जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें भी ऑनलाइन की जो है सुविधा कराने की कोशिश करूंगा, जनता से करके या एनजीओ के थ्रू या सरकार के थ्रू, ताकि जो हमारे जो घर के गरीब बच्चों के लोग हैं अपने ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, और प्राइवेट वाले ऑनलाइन पढ़ाई कराते हैं और उसमें हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं गरीबों के, तो हम उनको जो है पिछड़ने नहीं देना चाहते। संग्राम जी, बहुत सारी ऐसी सरकार योजनाएं देती है जो धरातल पर नहीं उतर पाती है, गरीबों को नहीं मिल पाता है उसका लाभ, उसको लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? सरकार आपकी कोई योजना देती नहीं है, और देती है तो वो ऊपर ही तक रह जाती है। तो पहले तो ये सरकार से बहुत कष्ट हैं, बहुत दिक्कतें हमें हैं, और फिर जो है जो अगर कोई सरकारी योजनाएं हैं तो उसको जो है मैं कोशिश करके लोगों तक पहुंचाने का जो है प्रयास करूंगा, और उसके लिए जो है मुहिम छेड़ूंगा कि वो कैसे जो है जनता तक वो बातें हमारी पहुंचें। आपकी पत्नी चुनावी मैदान में हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कि महिलाओं और बेटियों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे अगर आपकी पत्नी जीत जाती हैं तो? अच्छा सवाल है। महिलाओं के लिए सबसे पहले महिलाओं के लिए जो हमारे घर की जो महिलाएं हैं घर से कम निकलती हैं, और उनके रोजगार की समस्या अक्सर करके होती है, कोशिश करके हम लोग गांव में ही रोजगार दिलाने की व्यवस्था करेंगे, और कुछ एनजीओ हैं जो अच्छे हैं और चलते हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो जो है महिलाओं को, जो गांव की महिलाएं हैं वो शहर में नहीं जा पाती हैं, तो गांव में ही उनको रोजगार दिलाने की व्यवस्था करेंगे ताकि वो गांव में रोजगार पा सकें, क्योंकि उनके आने जाने पे थोड़ा सा दिक्कत रहती है। कहा जा रहा है कि आपने कोरोना काल में जाकर सबकी मदद की थी, किस तरीके से आपने कोरोना काल में जनता के बीच अपना मदद दिया था और कैसे पहचान बनाई थी? हम लोगों ने समाजवादी रसोई बनाई थी, जिसमें हम लोग पूरी सब्जी, बिस्किट और ये पानी की बोतलें ये सब ले जा के हम लोग खाना बनवाते थे, और गाड़ियों में जाके जो है सबको स्टेशन पे और बस अड्डे पे और रोड पे खड़े होते थे, और फिर उनको जो है वो पूड़ियाँ देते थे। फिर हॉस्पिटल में जहाँ पर लोग थे वहाँ पर हम लोग खाना पहुँचाने का काम करते थे। आप अपने साथ जनता का समर्थन कैसे देख रहे हैं? जी, आप अपने साथ जनता का समर्थन कैसे देख रहे हैं? आपने बताया कि आपने गरीबों की मदद की थी, तो जनता का समर्थन कैसे देखने को मिल रहा है? जनता का समर्थन जो है लगातार दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ सभाएं, छोटी सभा करने का भी अगर प्रोग्राम हमारा होता है तो वो सभाएं ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती हैं, और जो हमारे अपोजिट में प्रत्याशी हैं उनके पास जो है लोग नज़र नहीं आते हैं। तो ये जनता को जो प्यार मिल रहा है इससे पता चल रहा है कि हाँ हमने कुछ किया है, तो जनता हमें मान रही है, सम्मान दे रही है। संग्राम जी, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कैसा महसूस करते हैं और अभी तक कैसा सफर रहा है? समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष करना जानते हैं, और शुरुआत से मेरा नाम तो संग्राम है ही है, तो मैं तो संग्राम ही कर रहा हूँ लगातार। तो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग संघर्ष से ही जो है आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को विरासत में कुछ भी नहीं मिलता।
जी संग्राम जी, आज के राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसी विकास की गाथा लिखना चाहेंगे आप? विकास हमारे धरातल पे तो नजर नहीं आता है, ये भाजपा वाले मीडिया के थ्रू केवल विकास की विकास करते हैं, धरातल पे कुछ विकास इनका दिखता नहीं है। जो भी विकास हुआ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा हुआ, मेट्रो समाजवादी पार्टी ने बनाई, लोहिया पार्क और जनेश्वर मिश्रा जैसे पार्क दिए जो आज लखनऊ की शान है, और उसके अलावा जो है स्टेडियम दिया जिसमें आज लगातार मैच हो रहे हैं, ये सब समाजवादियों के देन हैं, जिसपे आज बहुत बड़ी चर्चा बन के आती है कि लखनऊ में मैच हो रहा है, लखनऊ में देखने मिल रहा है, ये सब समाजवादियों के देन है। इनका क्या है, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो आप क्या करना चाहेंगे जी? आप क्या क्या करना चाहेंगे? मैं तो अपने क्षेत्र मैं तो केवल अपने क्षेत्र का ही विकास कर सकता हूं अभी जी, बिल्कुल। और मैं अपने क्षेत्र का विकास मैं अपने क्षेत्र में सबसे पहले जल भराव की समस्या को दूर करूंगा जिससे बीमारियां फैलती हैं, सफाई पे ध्यान दूंगा ताकि जो है कहीं भी गंदगी इकट्ठा न हो, और रोडें टूटी फूटी उनको मरम्मत करवाऊँगा, नई रोडों का निर्माण करवाऊँगा, नाली का सही व्यवस्था दूंगा, उनको सही सीवर लाइन से जोड़ने का प्रयास करूंगा, और समाज को शिक्षित और जागरूक करने का प्रयास करूंगा जिससे जो है लोग जागरूक हों और अपने अधिकार को समझें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं संग्राम जी, जैसे कि पीएम आवास हुआ, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों तक नहीं मिल पाती है, तो आप क्या पूरी कोशिश करेंगे कि ये सब जो योजनाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो सरकार की तरफ से दी जाती हैं, वो गरीबों तक पहुंच सके? देखिए, ये योजनाएं गरीबों तक पहुँचाने के लिए आपको सबसे बड़ा सहारा आपसे होता है, जिस तरह से आप लोग मीडिया के थ्रू दुनिया भर की खबरें पहुंचाते हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो इसको आप ही के थ्रू जो है जनता तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर की खबरें चलाई जाएंगी, लेकिन इस तरह की खबरों को जो है कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं चलाता। मेरी आपसे अपील रहेगी कि छोटी छोटी जो है जो मतलब योजनाएं हैं, इनको भी आप अपने माध्यम से जनता तक डायरेक्ट पहुंचाएं आप, क्योंकि आपकी आवाज़ से जो है जनता को चीजें जल्दी मिल जाती हैं। संग्राम जी, हम जनता तक सिर्फ आवाज पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो धरातल पर दी जाती है वो हम लोग नहीं पहुंचा सकते हैं। क्यों नहीं पहुंचा सकते? आप जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी आप पहुंचा सकते हैं, आपके थ्रू जब सब चीजें पहुंच सकती हैं तो ये क्यों नहीं पहुंच सकती? ये भी पहुंच सकती है। हम लोग सिर्फ जनता की आवाज पहुंचा सकते हैं संग्राम जी, और मैं कोशिश करूं जनता की आवाज में ये आवाज होती है कि हाँ हम इनको क्या विकास में मिल रहा है, ये आपके थ्रू पहुंच सकता है और आप इसको पहुंचाएंगे, तो मेरी आपसे अपील है कि आप इसको पहुंचाने। बिल्कुल, आप अपने प्राइम टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों के लिए और हमारे आप अपने जनता के लिए और हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं जनता से कहना चाहता हूं कि 4 तारीख को हमारा मतदान है, और मैं हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश करूंगा कि वो जाकर साइकिल का बटन दबा के मुझे जिताने का कार्य करें, और मैं जीत कर आऊँ और आपके बीच में आकर आप लोगों के साथ मिलकर समाज के लिए कार्य करूं, यही मेरी अपील है। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका संग्राम जी। धन्यवाद। तो संग्राम जी से हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने बताया कि उनकी पत्नी पार्षद पद की दावेदार हैं। बता दें कि शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड से अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, जनता के बीच उन्होंने अपना समर्थन जताया है, जनता के बीच उनकी एक पहचान बनी हुई है। आज के लिए नगर संग्राम में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस